क्या हालचाल दोस्तों। सो गाइस, टिकटॉक के जाने के बाद बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि टिकटॉक वापस आ जाए, जिससे कि उनका टाइम पास अब फिर से अच्छे से होने लग जाए। चाहे वो क्रिएटर की बात करें या हम व्यूवर्स की बात करें, दोनों की जिंदगी थोड़ी सी बेरंग हो गई है। पर दोस्तों, आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों की समस्या का समाधान हो गया है। बहुत से ऐसी कंपनीज आ गई हैं जिन्होंने टिकटॉक के जैसा अल्टरनेटिव ऐप बनाने की कोशिश की है। आप इन ऐप्स को यूज़ करके देखो और बताना कि यार ये ऐप्स के टिकटॉक जैसे हैं या नहीं है, क्योंकि टिकटॉक मैंने पर्सनली उतना कभी यूज़ किया नहीं है, इवन कभी यूज़ ही नहीं किया है, कभी मैंने आईडी नहीं बनाई उसमें। सो गाइज, आप इन ऐप्स को देखो और बताना कि क्या ये ऐप्स टिकटॉक के लेवल के हैं या नहीं है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं आपको ऐसे 3-4 ऐप्स के बारे में बताता हूँ जो बिल्कुल टिकटॉक जैसे हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आज के टाइम पे इंडिया में। तो कुछ ऐप ऐसे हैं जो कि इंडिया के हैं एंड एक दो बाहर के हैं, तो चलो उनको देखते हैं। तो यार, सबसे पहले देखते हैं मित्रों ऐप के बारे में। और ये ऐप बहुत ज़्यादा ही फेमस हो रहा था इंडिया में कुछ दिनों पहले, टिकटॉक के बैन होने के पहले से ही। कुछ टाइम पहले इसे गूगल ने प्ले स्टोर से हटा भी दिया था। और दोस्तों, उस टाइम ये चल रहा था कि मित्रों ऐप के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, बट इन्होंने अपने डेवलपर वाले ऑप्शंस पे भी थोड़ा काम किया है एंड उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड इस ऐप में भी सेम वही है जो टिकटॉक में होता था, आपको स्क्रॉल करते जाना है और नए नए वीडियोज़ आती जाएंगी। एंड इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का है। एंड मुझे यार बताऊं, खास तौर पे ना मित्रों का यूजर इंटरफेस उतना पसंद नहीं आया। ये ऐप उतना बेटर नहीं लगा जितना होना चाहिए था, जितना कि इसकी हाइप चल रही है, जितने इसके डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं। इससे अच्छे कुछ और ऐप्स हैं जो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बात करें अगर दूसरे ऐप की, तो ये भी इंडिया का ही ऐप है, चिंगारी। इसका यार यूजर इंटरफेस मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है मित्रों के कंपैरिजन में। चिंगारी में थोड़ी ज्यादा चीजें करने को, जैसे कि एक वीडियो वाला सेक्शन हो गया, यहाँ पे आप वीडियो स्क्रॉल करके वीडियोस देख सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक सेक्शन है न्यूज वाला, जहाँ पे जो ट्रेंडिंग चीजें हो रही हैं, जो न्यूज है उससे रिलेटेड यहाँ चीजें आपको दिख जाती हैं। एंड जो तीसरा वाला सेक्शन है वो है इसमें गेम्स वाला, तो आप इसमें गेमें वगैरह भी खेल सकते हो और कुछ पैसे वैसे कमाने का भी सिस्टम होगा, पता नहीं मुझे अभी। बट तो ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें, मतलब आप ज़्यादा तरीके से एंटरटेन हो सकते हो इसमें। सो इसमें भी आप वीडियो अपलोड करके देखो, चिंगारी का यूज़र इंटरफेस ठीक लग रहा है। एंड वीडियो बना के देखो, यार मैं तो वीडियो बनाया नहीं हूँ खैर, तो क्या सारे ट्रांजिशंस इसमें है या नहीं है, जो एडिटिंग टूल्स टिकटॉक में थे वो टूल्स इसमें है या नहीं है, यूज़ करके मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, अगर देखें हम अगले ऐप के बारे में, तो वो ऐप इंडिया का नहीं है और इसका नाम है ट्रेलर। एंड ये ऐप बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है सारे बाकी कंट्रीज़ में भी। एंड देखें तो इसका यूज़र इंटरफेस भी यार बहुत बढ़िया लगा है मुझे। एंड इसमें एक ट्रेंडिंग सेक्शन है जिससे आप ट्रेंडिंग जो वीडियोस हैं वो देख सकते हो। बट यार आप मुझे बताना कि इस ऐप को जब आप यूज़ करते हो तो एडिटिंग में वही सारे टूल्स जो टिकटॉक में हैं इसमें भी हैं या नहीं है, क्योंकि चिंगारी एंड ट्रेलर ये दो ऐप हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इनको। सो तीनों प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, तीनों पे आप अपने वीडियो डालो, तीनों में देखो कि कौन सा ऐप आपके लिए सही काम कर रहा है। एंड जो इंटरटेनमेंट चाहते हैं वो भी तीनों ऐप डाउनलोड करके देखो, यूज़ करके देखो। अब टिकटॉक का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है यार, क्योंकि चीज़ें थोड़ी बिगड़ते ही जा रही हैं चीन के साथ। एंड गाइस, अगर टिकटॉक वापस आता भी है ना, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड गाइस, चाइना का लॉ यह कहता है कि चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अगर किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और वो किसी ऐप से किसी इंफॉर्मेशन को मांगता है, तो कोई भी ऐप या कंपनी उसे इंकार नहीं कर सकती है, उसे चाइनीज गवर्नमेंट का साथ देना ही होगा। चाहे टिकटॉक कितना भी कह दे कि यार वो इंडिया का डेटा किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी कंट्री के साथ शेयर नहीं करेगा, बट अगर चाइनीज गवर्नमेंट का वहां पे ये लॉ है तो उस लॉ को वहां की कंपनीज को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट के बारे में हमें तो पता ही, जो कम्युनिस्ट पार्टी है तो उसके अंडर पे रह के ही सारी चीजें होती हैं। सो टिकटॉक के सपने देखना बंद कर दो आप लोग। वैसे तो परमानेंट बैन होना चाहिए ये चीज, बट अगर आ भी जाए तो प्लीज यूज मत करना। इन बाकी के प्लेटफॉर्म्स पे अपनी ऑडियंस जमा करने की कोशिश करो और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करो, ये मेरा सजेशन होगा आई थिंक। सो गाइस, यही था आज के वीडियो के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को शेयर कर दो, लोगों को बता दो, जो लोग दुखी हैं टिकटॉक जाने से उन्हें बता दो कि कौन कौन से ऐप्स हैं जो टिकटॉक के अल्टरनेटिव हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके डाउनलोड्स हो रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों को, भाइयों को, फैमिली को, जहाँ भी जिस व्हाट्सएप ग्रुप में करना हो कर दो। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।